पार्षदों ने सीएमओ को दिया धारा 57 में आवेदन, अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से है नाराज 10 पार्षद। दतिया जिले की नगर परिषद इंद्रगढ़ में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लंबे समय से अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज पार्षदों ने आखिरकार अपनी मांगों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव को नगर पालिका अधिनियम की धारा 57 में आवेदन देकर परिषद की बैठक बुलाने की मांग रखी है। आवेदन देने वाले पार्षदों का आरोप है कि नगर अध्यक्ष परिषद इंद्रगढ़ मनमाने तरीके से काम करते हैं, उनका नगर के विकास को लेकर कोई मंशा नहीं है। तभी तो नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में बुलाए गए निर्माण निविदाओं में सिर्फ अपने चाहते 4 पार्षद को वार्ड में निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गई है और अन्य 10 वार्डों में बुलाए गए कार्यों की दर स्वीकृत नहीं की गई। इसके साथ ही नगर में चारों ओर अंधेरा कायम है, अध्यक्ष ने बिजली सामग्री की दर बुलाने से मना किया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना से बनाया गया वार्ड नंबर 11 दाल मिल रोड में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, नए स्ट्रीट लाइट और केबल मांगने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है, जबकि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए रिवाइज से प्राकलन बनाए और उन्हें स्वीकृति प्रदान दी है। इससे नगर परिषद इंद्रगढ़ को आर्थिक क्षति पहुंची है। अध्यक्ष की इन्हीं गतिविधियों से नाराज होकर पार्षदों ने अपने वार्डों में विकास कार्यों को कराने और नगर को अंधेरे से बचाने लिए अधिकारों का प्रयोग कर धारा 57 में आवेदन देकर परिषद का सम्मेलन बुलाने के लिए सीएमओ को पत्र सौंपा है। नगर परिषद इंद्रगढ़ के 10 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन में धारा 57 में निर्वाचित पार्षदों ने उपाध्यक्ष के साथ आकर परिषद की बैठक बुलाने के लिए प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित कर अध्यक्ष को पार्षदों की भावना से अवगत कराया जाएगा। शिवरमन सिंह राठौर की